हे गाइस, वेलकम टू सरी किचन में आपका स्वागत है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मच्छी कबाब। तो आइए इसका रेसिपी हम बताएंगे। बनाना बहुत ईजी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। 500 ग्राम हम मच्छी लिए हैं और उसको हम 3 मिनट बॉईल किया है। पहले उसको साफ़ करके वॉश करके अच्छे से, फिर हम बॉईल किए 3 मिनट। फिर उसमें उसका काटा हम सब सारे निकाल लिए। और ये गाजर, शिमला और कांदा और कोतमीर, एक एक शिमला, एक गाजर, एक कोतमीर और 100 ग्राम बटाटा हम ऐड किए इसमें। बॉईल किया था, वो भी छिलका निकाल लिया था। और इसमें जो मच्छी है सब उसमें हम डाल के हो गया मच्छी। और एक चम्मच कांदा और लहसुन का पाउडर है ये रेडीमेड, जो इसमें मिलाएंगे। नमक स्वाद अनुसार आधी चम्मच सौंफ डाले हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च और 2 स्पून हम चावल का आटा मिलाए हैं। आपको अगर पसंद है तो चावल का आटा मिला लो, नहीं है तो बेसन भी मिला सकते हो थोड़ा जायके के हिसाब से, अगर जैसा गीला लगता होगा तो। और सब डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हो गया है और उसमें हम थोड़ा से नहीं अदरक लहसुन पेस्ट भी डाले थे। और हाथ में ऑयल लगाए हैं और हरी मिर्ची भी 2 लिया था, उसमें डाल दिया था कोतमीर के साथ में। और हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के अब इसे हम चौकोन बना लेंगे। हमने 3 साइज के बनाए, पेड़े जैसा बनाया है और एक लंबा साइज और एक गोल साइज भी बनाया। आपको जैसा पसंद हो आप बना सकते हो। और ये 2-3 चम्मच हम मैदा लिए हैं आटा, और ये ब्रेड गरम है और थोड़ा सा तिल का भी यूज किया है हमने। पैन रख दिया है गैस पे और उसमें ऑयल डाल के अब पहले हम कबाब को उसमें मैदे में डाल दिया है, डाल के उस पर से हम तिल डाला है वाइट वाला। अब इसमें डाल दिया है ऑयल, हो गया है मेरा ज़्यादा, हम बहुत हाई नहीं रखना है उसे, लो पे ही हम उसे किए हैं। ऑयल हो गया था तो हम लो पे कर दिए थे, ज़्यादा फास्ट पे हमें नहीं करना है ज़्यादा। और ये हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी है, उसका भी डिकोरेट हम करके डाल रहे हैं। आपको जैसा पसंद हो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत ईजी है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आपको एक बार तो बनता है, आप ऐसा ज़रूर बनाएं और मज़े से खाएं। मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों, एक्साइट हो गया है तो 2-3 मिनट हो गया है। और ऑयल भी बहुत कम लगता है दोस्तों, एक बार ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही सही लगेगा। ये देखिए दिख रहा है ना, एकदम ज़बरदस्त एकदम हो गया है, हम निकाल रहे हैं। और ये हम ब्रेड गरम है उसमें अब डाल रहे हैं। एक बार सिर्फ मैदा और ऊपर से नहीं तिल और कसूरी मेथी हम डाले हैं, और ये दूसरे टाइम में नहीं सिर्फ ब्रेड गरम से नहीं हम डाल के निकाल रहे हैं, उसमें डाल के सब हमें इसमें डाल देना है। एक साइड हो गया है, दूसरे साइड हम डाल देंगे, कर देंगे उसको अच्छे से। और बहुत झटपट बनता है दोस्तों और बहुत जल्दी बनता है। और ये देखिए हो गया है, 2 मिनट और जाएगा इसमें एक साइड और हो के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत, और वैसे खाने में भी है। कैसा लगा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब शेयर लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।